डियर स्टूडेंट वेलकम। यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक छात्रों के पास शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। सामान्यतः इसका अर्थ गणना करना होता है, अर्थात कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें ये कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग उपकरणों को दिखाया जा रहा है। जैसे ध्यान देंगे, यह मॉनिटर है। इस पर कंप्यूटर पर हो रहे कार्यों को हम देख पाते हैं। यह सीपीयू है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, अर्थात मस्तिष्क। यह प्रिंटर है, अर्थात यदि कोई भी जानकारी को हमें किसी पेज पर छापना हो तो प्रिंटर के माध्यम से हम छाप सकते हैं। यह माउस है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह एक तीर का निशान है जो किधर उधर मूव कर रहा है। इसे कर्सर बोला जाता है या पॉइंटर। इसका नियंत्रण हम माउस के द्वारा कर रहे हैं, अर्थात यह माउस है, इसी के द्वारा यह पॉइंटर नियंत्रित होता है, अर्थात चलाया जाता है। यह कीबोर्ड है, अर्थात इसके माध्यम से कंप्यूटर में हम कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं। यह स्कैनर है, इसके सहायता से किसी भी चित्र को हम स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं। कंप्यूटर में टोटल 8 अक्षर होते हैं। इससे मिली जुली शब्द कुछ बनाए गए हैं। ये पूर्ण रूप से इनका शाब्दिक अर्थ कंप्यूटर के कार्यों को निरूपित करता है, परंतु यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है, अर्थात कंप्यूटर के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। जो डेटा, अर्थात कुछ भी जानकारी अगर हम बाहर से कंप्यूटर को देते हैं तो उसे हम डाटा कहते हैं, को सूचना में बदलता है, अर्थात हमारे द्वारा दी गई डाटा को वह कंप्यूट करने के बाद, उसकी एनालिसिस करने अर्थात प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी को इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। इन्फॉर्मेशन एक तरह से व्यवस्थित डाटा का स्वरूप है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर की कार्य पद्धति, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जा सकते हैं, अर्थात इसमें मुख्य रूप से 4 तरह के कार्य संपादित होते हैं। पहला है इनपुट। कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है, अर्थात अगर बाहर से कोई जानकारी हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो इस क्रिया को हम कहेंगे इनपुट करना। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के लिए डेटा या निर्देश भेजता है। दूसरा है प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, अर्थात इसको प्रोसेस करने का काम सीपीयू का होता है।
तीसरा है हमारा आउटपुट, यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है, अर्थात कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट प्रदान करता है, अर्थात रिजल्ट डिक्लेयर करता है। चौथा है स्टोरेज, यह डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं यहाँ पे, अर्थात यदि कोई चीज़ को हम सेव करके रखना चाहते हैं तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे स्टोर करना। अर्थात मुख्य रूप से कंप्यूटर चार तरह के कार्यों को संपादित करता है, पहला है इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की प्रकार की खासियत है जिस कारण यह वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय है। पहला है इसमें गति, अर्थात स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड एक साधारण मानव की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। अर्थात एक उदाहरण लें तो एक सामान्यतः गणित का कार्य करने के लिए अगर एक छोटा सा हमें जोड़ घटाव गुणा भाग का मिश्रित स्वरूप का कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसे बनाने में हमें 1 मिनट, 2 मिनट या उससे ज़्यादा के भी समय लग सकते हैं, परंतु यह कंप्यूटर सामान्यतः सेकेंड के एक छोटे से भाग में ही संपादित कर सकता है, अर्थात नैनो सेकेंड में यह गणनाएं करने में सक्षम है। अगर सामान्य मनुष्य किसी भी कार्य को कर रहा है तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है, परंतु कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, अर्थात कठिन से कठिन प्रश्न का परिणाम यह बिना किसी त्रुटि के प्रदान कर सकता है। भंडारण क्षमता, एक सामान्य मनुष्य किसी भी चीज़ को अपने मस्तिष्क में याद करके कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक रख पाता है, परंतु उसकी भी सीमा बहुत ही सीमित है। इसकी तुलना में कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसकी भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसमें बाहर से अर्थात एक्सटर्नल तथा अंदर से अर्थात इंटरनल संग्रहण माध्यम लगाए गए रहते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चौथा है बहुउद्देशीय, अर्थात इसका उपयोग बहुत सारे उद्देश्यों में किया जा सकता है। आधुनिक कंप्यूटर को हम अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। गोपनीयता, सिक्योरिटी, सेक्रेसी, कंप्यूटर में हम कोई भी जानकारी पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा गोपनीय बना सकते हैं, अर्थात जब तक हमें पासवर्ड याद नहीं रहेगा, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को भी, तब तक वह किसी भी डाटा को अपने से ओपन नहीं कर सकता है। सक्षमता, डिलीजेंस, सामान्यतः मनुष्य या किसी अन्य दूसरे प्राणियों पर बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, परंतु कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात बिना रुके बिना थके वह कार्यों को निरंतर कर सकता है, परंतु एक सामान्य इंसान को आराम करने की आवश्यकता होती है, उसका मस्तिष्क कुछ समय बाद थकने लग जाता है, परंतु कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है। स्वचालित ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, इसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य है, अर्थात कंप्यूटर अगर कुछ कार्य को कर रहा है, कोई भी कैलकुलेशन कर रहा है,
तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, परंतु मनुष्य अगर कोई कार्य कर रहा है तो दूसरे मनुष्य उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे गुण थे जो कि एक सामान्य मनुष्य के तुलना में कंप्यूटर में विशेष प्रकार की क्षमता को लाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में अधिकांश क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का प्रयोग देख रहे हैं। अब है कंप्यूटर संबंधित कुछ शब्द जैसे हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे उपकरण या संयंत्र लगे होते हैं, इन्हीं संयंत्रों को हार्डवेयर बोला जाता है। समानता आप ये समझिए कि कंप्यूटर के किसी भी पार्ट का यदि कोई भौतिक स्वरूप हो या जिसे आप छू पाते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह अर्थात प्रोग्राम होता है जिसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, अर्थात इसमें बहुत सारे प्रोग्रामों का एक संग्रहित स्वरूप होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह मनुष्य के कार्यों को आसान करने में सहायता करता है। यदि कोई कार्य हमें कंप्यूटर पर करनी है तो उसे हम सॉफ्टवेयर की ही सहायता से करते हैं। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। यदि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो कि अव्यवस्थित रूप में हैं तो उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, यानी इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। चिन्हात्मक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसमें अंकों, कॉमा अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण भी बताए गए हैं। संख्यात्मक डेटा के अंतर्गत हमारे प्राप्तांक, रोल नंबर इत्यादि आते हैं। चिन्हात्मक डेटा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का पता, पैन कार्ड नंबर इत्यादि। धन्यवाद।